नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान के मौसम को लेकर इस समय बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। प्रदेश में मानसून फिलहाल पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अब एक बार फिर गुरुवार से प्रदेश में बारिश का सिलसिला बढ़ने वाला है। पूर्वी राजस्थान में फिर से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना विभाग ने जताई है। शुक्रवार तक कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। आज के लिए भी मौसम विभाग ने बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इन जिलों में जो बारिश हो रही है उस बारिश की गतिविधियां काफी धीमी है, यानी कि मामूली मामूली बूंदे वाली बरसात इन जिलों में फिलहाल नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान के मौसम पर नजर डाले तो यहां बीते 3 से 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की बूंदे बिल्कुल छोटी है, जिसके कारण अभी भी लोगों को भारी बारिश का इंतजार है वो समाप्त नहीं हुआ है। बादल हैं, 10 मिनट हल्की बौछारे देते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद फिर बादल आते हैं, हल्की सी बौछारे करते हैं और वापस चले जाते हैं। यही सिलसिला बीते 3 से 4 दिनों के दौरान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने तंत्र के कारण प्रदेश में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। इनमें से कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान यानी कि मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें, पूर्वी राजस्थान में तो हालत यह है कि कई नदी नाले उफान पर है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अभी भी बारिश की 5% कमी दर्ज की गई है। लेकिन राहत वाली खबर यह है कि बारिश की यह कमी अब जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और यह बारिश की गतिविधियां 29 अगस्त तक की ऐसे ही चलती रहेगी। 27, 28 और 29 अगस्त को हल्की फुहारों के बीच एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का भी नजारा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद खासकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में प्रशासन अब अलर्ट पर है, क्योंकि वहां पर पहले ही कई नदियां और नाले हैं जो उफान पर है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। अलवर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, धौलपुर, कोटा, टोंक और नागौर के कुछ हिस्से, साथ ही में बीकानेर के कुछ हिस्से, जहां पर लोगों को बारिश का अभी भी इंतजार बना हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि 29 तारीख तक इन जिलों में कई हद तक बारिश की कमियां दूर हो जाएगी। यह थी राजस्थान के मौसम को लेकर एक खास रिपोर्ट। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।